हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्नास किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है स्प्राउट्स पोहे। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहे नॉर्मली हर घर में बनाए जाते हैं और ये बहुत ही इजी बनते हैं। बस इन्हीं पोहों को हम स्प्राउट्स के साथ बनाएंगे, जिससे ये बहुत हेल्दी हो जाएंगे। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ टू मेक हेल्दी स्प्राउट्स पोहा। हेल्दी स्प्राउट्स पोहे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप पोहा, और पोहे को मैंने अच्छे से पानी से धोकर इसका पानी निकाल दिया है, जिससे ये एकदम खिले खिले हो गए हैं। तो जब भी आप पोहे बनाएं तो सारी तैयारी से पहले इन्हें धो के रख दीजिए, जिससे एकदम खिल जाएंगे। 1/2 कप स्प्राउट्स लिए हैं, यहाँ मैंने मूँग दाल के स्प्राउट्स लिए हैं, 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, 1 छोटी कटी हुई हरी मिर्च, मूंगफली आप अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिए, 1 नींबू का रस, धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, जरा सी हींग, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार मैं यहाँ 1.5 टीस्पून ले रही हूँ, और तेल लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम एक पैन में तेल डाल लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये कच्ची मूंगफली, और मूंगफली को हम लो फ्लेम पर इस तेल में भून लेंगे। मैं यहाँ मूंगफली को पहले ही भून के अलग रख रही हूँ, ताकि जब हम पोहे बनाएं तब तक ये ठंडी होकर एकदम कुरकुरी हो जाए। इससे मूंगफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जब भी पोहे बनाएं तो मूंगफली को पहले ही भूनकर अलग रख दीजिए, तो इससे ये एकदम ठंडी और कुरकुरी हो जाती है। तो अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो ये मूंगफली निकाल के साइड में रख दी है। तो तेल अभी गर्म है, तो इसमें डाल लेंगे राई, जीरा और जरा सी हींग। अब इसे 10 से 12 सेकंड के लिए हल्का सा भून लेंगे। जब राई भुनेगी तो वो तड़कने लगेगी। तो ये देखिए राई है, वो तड़कने लगी है। तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, और प्याज को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। प्याज हल्का भुन चुका है, तो अब इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज़्यादा ऐड कर लीजिए। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि हल्का सा क्रंच इसमें रहेगा तो पोहा है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। ध्यान रखिए, सूखे मसाले डालते टाइम गैस का फ्लेम हमेशा लो ही रखिए, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो मसाले जब पक जाएं तब अब इसमें डाल लेंगे हम ये स्प्राउट्स। अब इन्हें अच्छे से इन मसालों में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्प्राउट्स को ऐसे ही काम में ले सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा पकाऊंगी, तो इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। और अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लूँगी, या जब तक इसमें पानी सूख न जाए। स्प्राउट्स को 2 मिनट पकाने से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, तो खाने में अच्छे लगते हैं। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ा पानी बचा है, तो हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा पानी में हमने पोहे डाल दिए तो इससे पोहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो एकदम गल से जाएंगे। तो अब इनका पानी सूख गया है, तो इसमें डाल देंगे ये पोहे। पोहे हैं वो पहले ही धो के रख लिए थे, इसलिए एकदम खिले खिले हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देंगे नमक, और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर दिया है, बस हमें सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है। तो नमक को अच्छे से पोहों में मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें भुनी हुई मूंगफली ऐड कर देंगे।
साथ में नींबू का रस और धनिया पत्ती। अब इन सब चीज़ों को भी एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली डालने से पोहों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप थोड़ी मूंगफली ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ये पोहे सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो देखा आपने कैसे एक नॉर्मल से डिश को भी हमने हेल्दी डिश बना दिया। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।